राम राम एवरीबॉडी, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी वैरायटीज के कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम परसेंटेज का यूज करके और सवालों को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे हम परसेंटेज का यूज करके उन सवालों को विद इन सेकंड ऐसे निपटा सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक सवाल लेते हैं और इसी में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। इससे क्या होगा, बेल आइकन बटन दबाने से जैसे ही मैं इधर से वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत मैसेज आएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आप रिप्लाई जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कैसा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो सब बताएं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टर एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे हम परसेंटेज का यूज करेंगे, अब इसमें वो सब दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 20% ऑफ वायर वॉज स्टोलन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 800 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट। हिंदी में देखते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टर की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टर के पास कुछ तार हैं, उसमें 20% तार जो है वो चोरी हो गए हैं। ठीक है, तो होता है अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में चोरी बहुत होती है चीजें। ठीक है, तो इसी तरीके से तो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अपने डेली लाइफ में यूज है इनका, 20% भाग वो चोरी कर लेगा या चोर। ठीक है, अब उसके पास जो बचा है, बचे का 80% भाग उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, खुद ने बेचा है कॉन्ट्रैक्टर ने। तो तार का वास्तविक लंबाई पूछ रहा है, तार की, यदि 800 मीटर तार अभी भी उसके पास बचा हुआ है। तो ये लैंग्वेज है, मैंने पहले भी कहा था कि आप अर्थमेटिक में लैंग्वेज पे काम करना सीखिए धीरे धीरे। ठीक है, तो कैसे सवाल को हम एक लाइन में कर सकते हैं, देखिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टर है हमारे यहाँ पर, क्या होता है कि कोई भी तार का बंडल होता है, जैसे बिजली विभाग के भी आते हैं तार, तो लोग क्या करते हैं, आधे पर्दे तार निकाल के काट कूट के ले जाते हैं। ठीक है, चोरी कर ले जाते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आप देखिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रेक्टर है, उसके पास कुछ तार है, तार का बंडल है, उसमें 20% भाग चोरी कर लिया गया। ठीक है, अब मेरे पास, हमें ये देखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कि मेरे पास जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, वो बची हुई वैल्यू है या कुछ और है। यदि 800 मीटर अभी भी बचा है तो मेरे पास बची हुई वैल्यू है, तो मैं बची हुई वैल्यूज को लेकर ही सवाल को बनाऊंगा। कैसे, कि मान लो कि तार की लंबाई, वो कह रहा है तार की लंबाई ज्ञात करो, मान लो तार की लंबाई क्या है, एक्स। ठीक है, अब एक्स का 20% भाग तो चोरी हो चुका है। ठीक है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5। अब अगर मैं ये मानता हूं कि मेरे पास 5 यूनिट तार है, वो तो 5 यूनिट का 20% हो गया 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट चोरी कर लिया गया है, तो मेरे पास बचेगा कितना, 4 यूनिट बचेगा ना भाई। 5 यूनिट मेरे पास तार थे, 1 यूनिट उसमें चोरी हो गए, तो बचा कितना, 4 यूनिट। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि भाई एक्स है ये बराबर है 5 यूनिट के। हम ऐसे नहीं करते, चूंकि 5 यूनिट बराबर है एक्स के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, x/5 के, तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगी, तो × 4, ऐसे तो करते थे। तो आप इस चीज में टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप डायरेक्ट बनाना सीखिए चीजों को। ठीक है, इन चीजों में टाइम खराब करोगे तो हो सकता है कि आप ज्ञानी बन जाओ लेकिन सशक्त नहीं हो पाओगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो आप डायरेक्ट बनाना सीखिए कि भाई 5 यूनिट है एक्स के, तो 1 यूनिट चोरी हो गया, तो बचे कितने, 4 यूनिट। अब ये तार है मेरे पास अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है, जो चोर ने छोड़े हैं। अब इसका जो है 80% भाग बेचा गया है, ठीक
ठीक है, तो 80% की फ्रिक्शन होती है कितनी, 4/5। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको पिछले वीडियो में, देखिए आप। ठीक है, तो 4/5, तो अगर 5 यूनिट ओरिजिनल मेरे पास वैल्यू है तो 5 का 80% कितना हो गया, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट मैंने बेच दी, तो बची कितनी, 1 यूनिट। मैं बची हुई पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बची हुई वैल्यू दे रखी है 800 मीटर। ठीक है, तो 5 में से 4 यूनिट मैं बेच चुका हूं, तो बचा कितना, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट आप चूंकि करके कर सकते हैं, वह मत कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए कि भाई अब मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका मतलब है ये जो वैल्यू है बची हुई वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, एक्स लेंथ का कोई तार था, उसका 20% भाग चोरी हो गया, बचा कितना, 80% भाग, तो 4/5। फिर मैंने 80% भाग बेच दिया, तो बचा कितना, 20% भाग, तो 1/5। अब जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 800 मीटर की, 800 के बराबर रख दिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 8 25 × 50, तो एक्स कितना आ गया, 50 और 5000 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 500 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम बेहतरीन सवालों को, ये छोटे सवाल नहीं है अपने आप में, बहुत बढ़िया सवाल है ये, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मत सोचिएगा कोई हल्के सवाल है। ठीक है, ये बेहतरीन सवाल है, और इनको हम विद इन लाइन में हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए आप, मतलब एक लाइन में सोल्व कर पा रहे हैं। तो ये चीजें सीखिए आप और इन पे काम कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस इसी वैरायटी के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और लेकिन हो कैसे रहे हैं, परसेंटेज से हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही विद इन सेकंड चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं परसेंटेज के कंसेप्ट से। ठीक है, तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन को देखिए। इसमें इन ए लाइब्रेरी 10% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 10% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग आर संस्कृत, एंड रेस्ट 2700 बुक्स आर इन साइंस, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। किसी पुस्तकालय में 10% किताब हिंदी की है, बची हुई किताबों का 40% अंग्रेजी की है, तथा बची हुई किताबों का 20% संस्कृत की है, तथा बची हुई 2700 किताबें विज्ञान की हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन यह है कि पुस्तकालय में अलग अलग तरह की किताबें हैं, जैसे होते भी हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है उनके, कि भाई 20-30% ये किताब है, 40% ये किताब है, और इस तरीके से क्वेश्चन डेवलप किया गया है। ठीक है, डिजाइन किया गया है। वो सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी किताबें हैं पुस्तकालय में। तो सवाल जो पूछ रहा है कि मान लो किताबें कितनी हैं भाई, किताबें, सवाल क्या पूछ रहा है, किताबों की संख्या कितनी है। तो मान लो कि किताबों की संख्या कितनी है, एक्स, एक लाइन में उत्तर निकालना सीखिए, एक्स है। तो पुस्तकालय में 10% किताबें हिंदी की है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो 10% होता है इसका फ्रिक्शन होता है 1/10, समझा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। अगर मैं ये मानता हूं कि 10 यूनिट ही मेरा ओरिजिनल किताब है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। अब किताबें विज्ञान की है, सब बची हुई किताबें विज्ञान की है, अब मेरा फोकस बची हुई किताबों पर रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सवाल में मेरे को बची हुई वैल्यू दे रखी है, बची हुई वैल्यू दे रखी है, इसलिए मेरा फोकस किस पर रहेगा, बची हुई नंबर पर। भाई 10% किताबें तो हिंदी की गई, ऐसे मानो आप, तो बचे कितनी, 90% किताबें। तो भाई 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10, तो 10 यूनिट अगर ओरिजिनल नंबर है, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 यूनिट। तो 10 में से 1 यूनिट जब घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, 9 यूनिट। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ 10 यूनिट ओरिजिनल नंबर है, हम ऐसे देख करते थे 10th तक कि भाई 10 यूनिट बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स को, भाई एक्स किताबें मानी है ना हमने, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, X/10 को। तो अब देखिए 10% किताबें हिंदी की हैं, तो बची कितनी, 90% किताबें, तो 90% 9 यूनिट, 10 में से 1 गया तो कितना, 9 यूनिट, तो
नो यूनिट रिप्रेजेंट करेगा गुणांक को। आप इस तरीके से करोगे तो भी वो बात वही है, आप सीधा करिए कि जो एक्स किताबें हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 10 को, और 10% किताबें हिंदी की हैं तो बची हुई 90% किताबें, इसका मतलब ये है कि कोई और प्रकार की है, हिंदी की तो नहीं है, कोई और प्रकार की है, तो 90% कितना होगा 9/10 सीधा होगा। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, बची हुई किताबों का 40%। अब ये किताबें आ गई बची हुई, ठीक है, अब मेरे पास 90% किताबें हैं, इन बची हुई किताबों का लैंग्वेज देखिए, आप लैंग्वेज पे काम करिए, बची हुई किताबों का 40% अंग्रेजी की किताब है, तो 40% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 2/5। अगर मैं ये मानता हूं कि 5 यूनिट मेरा ओरिजिनल नंबर है तो उसका 2 यूनिट तो क्या है भाई, 5 यूनिट का 40% तो क्या है अंग्रेजी की किताब है, तो बचे कितनी 60% किताबें, तो 5 का 40% होता है 2, तो बचा कितना 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 यूनिट किताबें बच गई हैं, ठीक है। तो अब बची हुई, ये बची हुई किताबें आ गई हैं, बची हुई किताबों का 20% संस्कृत की है, ठीक है, तो 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/5, तो 20% किताबें संस्कृत की हैं, तो इनका 80% किताबें, मतलब बची हुई का 80% किताबें कोई और सब्जेक्ट की है, संस्कृत की नहीं है, तो 80% की फ्रिक्शन कितनी होगी 4/5। इस तरीके से सोचिए, या आप इस तरीके से सोचिए कि मान लो ओरिजिनल नंबर ही मेरा 5 यूनिट है, तो 5 का 20% कितना होगा 1 यूनिट, तो 5 में से जब 1 घटा रहा होगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि अब ये मेरे पास जो नंबर आ गया ना ये वाला, ये बची हुई किताबें हैं, और बची हुई कितनी किताबें हैं 2700, 2700 किताबें किसकी बची गई विज्ञान की, ठीक है, ये मैंने इस लैंग्वेज को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या में पूछ रहा है तो बता देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसी टाइप को, कैसे मैंने इस लैंग्वेज को इस इक्वेशन में पुट किया, मैंने माना कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें, तो मैंने माना कि पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी है एक्स है। अब एक्स का वो कह रहा है कि 10% किताबें हिंदी की हैं, और तो और बची हुई का 40%, मतलब कि 10% किताब हिंदी की है, तो बची 90% किताबें वो कोई हिंदी की नहीं है, कोई और सब्जेक्ट की है, तो 90% कितना होगा 9/10, यहां तक हो गया। अब कह रहा है कि बची हुई किताबों का 40% अंग्रेजी की किताब है, तो 40% अंग्रेजी की किताब है, तो 40% मतलब 60% किताबें किसकी हैं अंग्रेजी की नहीं है, बाकी और किसी की बच गई, तो 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5, तथा बची हुई किताबों का 20% संस्कृत की है। अब जो भी किताबें बची हैं, जितनी भी बची होंगी उसका 20% संस्कृत का है, मतलब 80% किताबें संस्कृत की नहीं है बची हुई में से, तो 80% की फ्रिक्शन 4/5, और वो कह रहा है कि जो बची हुई किताबें हैं वो 2700 हैं जो विज्ञान की है, तो ये बराबर हो गया 2700 के, इतना काम हो गया। अब सिर्फ इक्वेशन कैलकुलेशन बचती है, 9 × 3 = 27, 27 25, 55 25, 25 का वर्ग कितना होगा 625 और 1 0, ठीक है, तो 62 50 की बुक्स आ गई हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे हम परसेंटेज का यूज करके उनको विद इन सेकंड आंसर निकाल पा रहे हैं, अभी तक हम ये देख रहे हैं इन क्वेश्चनों में। तो चलिए इस टाइप का एक आखिरी सवाल और लेते हैं। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 20% प्रॉफिट, ठीक है, इन इंग्लिश में देख रहे हैं पहले, 20% प्रॉफिट, द होलसेलर सेल्स इट टू रिटेलर एट 25% प्रॉफिट, एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर एट 30% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इट एट ₹3900, ठीक है, हिंदी में देखते हैं। एक निर्माता है, कुछ सामान को थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है, तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है,
तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 30% लाभ पर बेचता है, तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक उसे 3900 रुपए में खरीदता है। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ इन टाइप के क्वेश्चंस का, और जनरली होता भी यही है, हम डायरेक्ट कस्टमर कभी भी कंपनी से डील नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी देती है थोक के भाव से सामान, ठीक है। कंपनी ऐसे नहीं बेचती कि भाई तू ले जा ये पैसे, मेरे को पेन ही परचेज करना हो, ठीक है, कंपनी का, तो ये पेन है जैसे कैमलिन का पेन है, ठीक है। अब मैं कैमलिन कंपनी को कहूँ कि मेरे को 5 पेन दे दे कैमलिन के, तो 5 पेन कंपनी कभी नहीं देगी डायरेक्ट, ठीक है। तो वो थोक के भाव से बेचती है, 1 लाख पेन का ऑर्डर होता है वहां पर, ठीक है, 5 लाख पेन का ऑर्डर होता है, इस तरीके से हजारों लाखों में ऑर्डर्स होते हैं, जो भी क्वांटिटी है आर्टिकल्स हैं उनका हजारों लाखों की क्वांटिटी में ये मानिए आप ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो हकीकत में भी प्रैक्टिकल में भी वही है, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं कर पाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है, वो अपने सामान को थोक विक्रेता को बेचती है, मतलब वो थोक के भाव से लेता है, तो वो थोक विक्रेता हो गया, ठीक है। मतलब थोक के भाव से ये हो गया, जैसे वो एक बल्क में सामान लेता है, उठाता है कंपनी से, ठीक है, उसको 20% लाभ पर उसने बेच दिया। फिर क्या करता है कि जैसे मैं हूं थोक विक्रेता, ठीक है, मैंने 1 लाख पेन खरीदे, फिर मैंने मैंने फुटकर विक्रेता को बेचूंगा। मैं फुटकर विक्रेता में कौन आ गए? अपने छोटी मोटी दुकान वाले, ठीक है। अब जैसे मैंने 1 लाख पेन ला के रख ली मेरे गोदाम में, फिर मैं जो छोटी मोटी दुकानों वाले हैं उनके पास कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है, उनको कहूंगा कि तुम्हें पेन चाहिए क्या भाई, और वो कहेंगे भाई मुझे चाहिए। अब कितने चाहिए? वो लाखों में तो लेंगे नहीं, वो कहेंगे मेरे को 100 पेन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसकी 100 पेन की रिक्वायरमेंट को पूरी करूंगा, रिक्वायरमेंट को, ठीक है। ऐसे कोई कहेगा मेरे को 1000 पेन की जरूरत है, तो मैं 1000 पेन की रिक्वायरमेंट को पूरी करूंगा। तो मैं तो क्या हो गया? थोक विक्रेता। फिर मैं किसी थर्ड पर्सन को देके आ रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? कंपनी। सेकेंड पर्सन मैं हो गया, थर्ड पर्सन फुटकर विक्रेता हो गई, ठीक है। अब इनको मैं सप्लाई करूंगा, थोक विक्रेता मैं हूँ, तो मैंने इसको सप्लाई की और कुछ परसेंट मुनाफा मैंने भी कमाया, ठीक है। अब फुटकर विक्रेता जो जिस दुकान से हम पुस्तकालय भंडार से पेन ला रहे हैं, ठीक है, वो फुटकर विक्रेता है, वो किसको? ग्राहक को। ग्राहक को, वो भी कुछ प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, तो वो भी कुछ प्रॉफिट कमा करके ग्राहक को बेच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ही कंसेप्ट बनते हैं और यही कंसेप्ट इस सवाल में लगेगा, ठीक है। तो वो लाभ पर बेचता है, तो उसमें सवाल ये पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरर के लिए वो पेन कितने का पड़ा। अब जैसे मेरे को ये पेन 40 रुपए का पड़ा, तो मैं इसके बीच में थोक विक्रेता भी आया होगा, कंपनी तो है ही, फिर थोक विक्रेता आया, फिर फुटकर विक्रेता आया, और फुटकर विक्रेता से फिर मैं लेके आया, ठीक है। तो मेरे पेन 40 रुपए में पड़ा, तो ये पेन कंपनी के कितने रुपए में पड़ा, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। निम्रता के लिए सामान का मूल्य पूछ रहा है जबकि ग्राहक उसे 3900 रुपए में खरीद रहा है। आप कितने में भी खरीदे, देखिए इन वैल्यूज को मत लीजिए, आप इसकी लैंग्वेज पे जाइए, कहना क्या चाह रहा है सवाल, ठीक है। संख्या बदलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को एक लाइन में सोल्व करते हैं। हमें मान लें कि निर्माता के लिए सामान का जो मूल्य है वो ₹1 है, ठीक है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य कितना है? ₹1। अब थोक विक्रेता को वो 20% लेके लाभ पर बेच रहा है, तो 20% की जो फ्रिक्शन होगी वो कितनी होती है? 1/5। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ₹5 इसका कॉस्ट प्राइस है ओरिजिनल, ठीक है, मतलब इसका जो मूल्य है ₹5 है, तो 5 का 20% कितना हो गया? आप मूल्य पे शिफ्ट हो जाइए, अब यूनिट की जगह भाई परसेंटेज है। अब पहले अब यूनिट काउंट कर रहे थे, अब मूल्य की बात होने लगी तो रुपए पे शिफ्ट हो गया, मूल्य पे शिफ्ट हो गए। तो 5 रुपए मान लो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है 5 यूनिट, ठीक है, 5 रुपए, तो 5 का 20% कितना होगा? 1, ठीक है। तो 5 यूनिट का 20% कितना होगा? 1 यूनिट। तो पहले कंपनी, अगर हमें मान रहे हैं कि कंपनी के लिए कितना है? 5 यूनिट है, और 20% के लाभ पर कंपनी बेच रही है थोक विक्रेता को, तो 20% कितना होगा? 1। तो 20% कितना हो गया? 1, तो 5 और 1 6, तो 6 में कंपनी उसको बेच दिया थोक विक्रेता को। उसके बाद थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेच रहा है 25% के लाभ पर, तो 25% की जो फ्रिक्शन होगी ना वो होती है 1/4। अब मैं ये मान रहा हूं कि जो 4 यूनिट है वो भाई इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, ठीक
ठीक है, तो 4 का 25% एक्स्ट्रा ले रहा है वो, भाई मार्जिन कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो 4 का 25% हो गया 1, तो 4 और 1 5, ठीक है। अब फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेचेगा 30% के लाभ पर, ठीक है, तो 30% की जो फ्रिक्शन होगी ना वो होगी 3/10। अब मैं मान रहा हूं कि जो फुटकर विक्रेता है वो, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है 10। भाई इसने सवाल ने कहा कि 30% के लाभ पर बेचता है, हमें परसेंटेज का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं परसेंटेज पे काम करना सिखा रहा हूँ आपको। भाई 30% की फ्रिक्शन होती है 3/10। अब मैं ये मान रहा हूँ कि जो फुटकर, जो अपना फुटकर विक्रेता है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है 10 10 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का 30% कितना होगा 3 यूनिट, तो 10 और 3 13 यूनिट उस फुटकर विक्रेता की क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कमा के बेच रहा है ना वो। इसलिए अब निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताना है, जबकि ग्राहक उसे, अब हमने खरीद लिया उसको, ठीक है, ये फुटकर विक्रेता ने हमारे को बेच दिया, ठीक है। अब फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, माना फुटकर विक्रेता की कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का 30% कितना हो गया 3 यूनिट, 10 और 3 13। अब ग्राहक ने उसको कितने में खरीद लिया, 3900 रुपये में खरीद लिया उसको, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन तो करनी है, और क्या करना है बताओ भाई, 5 से 5 ना रहा, 13 3 39, 2 2 4, 2 3 6, 3 से 3 तो कितना आ गया 2000, तो एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स कितना आ गया 2000, 2000 रुपये, ठीक है, ये हमारे सवाल का हो गया आंसर। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसके लिए कोई भी आर्टिकल रहा होगा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 2000 रुपये थी, ठीक है, और कस्टमर तक आते आते लाभ कमाते कमाते लोगों ने उसको बेच दिया कितने में, कस्टमर ने खरीद लिया 3900 रुपये में, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन था जो हमने डिटेल में डील किया है, भाई कंपनी ने 2000 में बनाया, कस्टमर तक वो पहुंचा है 3900 रुपये में, ठीक है। तो इस तरीके का एक कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो अभी हमने देखा, ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ठीक है, ताकि आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए आप, ठीक है। मैं आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जी जान से जितना मेरे पास टाइम है उतना वीडियो रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में और अपलोड करने में लगा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को बार बार भी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मेरे पास जितना टाइम है मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। आपका फर्ज ये बनता है कि आप भी इस चैनल को दोस्तों के बीच शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए चैनल बहुत ही यूजफुल है, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन तरीके से यूजफुल होगा ये चैनल, तो आप उनके बीच शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं आप, ठीक है, ऐसे देख के मत छोड़िए कि भाई देख लिया हमने तो बस हमारा तो हो गया, नहीं, आप उसमें लाइक बटन दबाइए, इससे क्या होगा कि मेरा जो चैनल है वो सर्चिंग में आएगा। अभी आप देखना कभी जाके यूट्यूब पर सीधा यूरोशन ट्यूटोरियल सर्च करोगे ना तो नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि YouTube ये देखता है कि सर्चिंग कितनी हुई है किसी चैनल की, तो एक आम बच्चे तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है ये चैनल, क्योंकि जो सर्च करता है रोशन ट्यूटोरियल कुछ और ही निकल के आता है वहां पर, ठीक है। तो आप ये तभी सर्चिंग में आने लगेगा जब आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे, वीडियोज को लाइक करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये सर्चिंग दिखाने लगेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का तभी फायदा हो पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।